चैनल पे। दोस्तों, हम हमारे घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं और उसमें से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हमारे बहुत हमें पसंद आते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बहुत सारे तरह तरह के फूल खिले, बहुत सारे कलर्स में फ्लावर्स आते रहें, रोज़ रोज़ फ्लावर्स आते रहें। लेकिन ये फ्लावर्स के प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, इनके कुछ सीज़न होते हैं, तो वो सीज़न में फ्लावर आते हैं फिर आना बंद हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट हो वो उसमें फ्लावरिंग हमेशा होती रहे, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते रहें। तो मैं आज आपको यही एक प्लांट दिखाने वाली हूँ दोस्तों, जो कि हमेशा साल भर फ्लावरिंग करता ही रहता है, उसके लिए कोई सीज़न ही नहीं है। तो ऐसा प्लांट मैं आपको बताऊंगी, रफ एंड टफ प्लांट है, बस ये एक बार लगा लेंगे तो हमेशा उसमें फ्लावर्स आते रहेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी, उसकी ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए ऐसा प्लांट मैं आपको बताती हूँ। यही वो प्लांट है दोस्तों जो मैं आपको बता रही थी, ये देखिए, इसका नाम है टेक्सस स्वैम्प मेलो। ये बहुत ही एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, बहुत आसानी से आने वाला प्लांट है ये। इसके फ्लावर्स इस तरह से खिलते हैं, ये ऑरेंज कलर में है, इसमें बहुत सारे और भी कलर्स आते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और रफ एंड टफ प्लांट है दोस्तों। जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें से कई प्लांट्स ऐसे होते हैं बस उसके सीज़न में फ्लावर्स आए, उसके बाद उसके जो प्लांट होता है वही ख़त्म हो जाता है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत सारा उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आने वाला रफ एंड टफ प्लांट है, बस हम एक बार इसको लगा लेंगे तो बस ये हमारे यहाँ चलता ही रहेगा, बस इसके इसी तरह से फ्लावर्स आते रहेंगे। मैंने हमेशा हमेशा साल के 12 महीने इसमें फ्लावरिंग देखी है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही इस तरह से इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये प्लांट एक बार लगा लेंगे तो बस ख़त्म ही नहीं होता, बस आता ही रहता है। मैं हमेशा इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ तो ये इसी तरह से बढ़ता रहता है और बहुत सारे इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये सीड से लगता है दोस्तों, जो इसका ये इसकी कली है और फूल खिलने के बाद इसमें इस तरह से सीड पॉट आ जाता है। ये सीड पॉट पक जाने के बाद इसमें से सीड निकल आते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसमें से सीड्स निकल के आते हैं और ये सीड से जगह जगह में गिर जाते हैं, तो आसानी से ये प्लांट आ जाता है दोस्तों, हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट बहुत सारे जगहों में मेरे यहाँ आता ही रहता है, क्योंकि इसके बीज जो है बिखरते जाते हैं, पानी पड़ने के बाद बिखर जाते हैं, तो बहुत सारे इसमें से प्लांट्स निकल आते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों इसको लगाना, सीड से लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसकी देखभाल करने के बारे में बात करें तो इसको एक अच्छी सी खाद वाली खाद मिक्स की हुई मिट्टी ले लेंगे और इसका पॉट बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हर 15 डेज में इसको कुछ खाद दे देंगे या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और हमेशा इसको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों, बस इस तरह से इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएं, यहाँ से हम कट कर देंगे तो इसमें से फिर दो इसके ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये आता ही रहता है प्लांट, बस इसे इस तरह से फ्लावर्स आते ही रहते हैं। हर फ्लावर के नीचे ये सीड पॉट आ जाता है, उसमें से कई कई सीड्स निकल आते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में हो जाते हैं। और इसको धूप 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों, 3-4 घंटे की धूप में इसको रख दें या फिर कहीं से भी 2 घंटे की धूप भी हो तो भी चलेगा। और पानी चेक करके आप मिट्टी चेक करके दे दीजिए, ना ओवर वाटरिंग हो ना इसमें पानी की कमी हो, तो बहुत ही अच्छे से आने वाला प्लांट है।
आप भी जरूर लगाइए इसको। बहुत सारे कलर्स में ये आता है दोस्तों, ये पिंक वाला कलर भी आता है। मैं उसी प्लांट के लिए ढूंढ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, पिंक वाले फ्लावर से इतने अच्छे लगते हैं। ये ऑरेंज है, पिंक है और भी कई कलर्स हैं इसमें। तो आप भी ज़रूर ये प्लांट लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है। ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पानी का ख्याल रख लें तो चलेगा। एक बार खाद मिट्टी में मिक्स कर दें तो बार बार इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो अभी इस प्लांट को लगाइए अपने गार्डन में और देखिए हमेशा इसमें फूल आते ही रहते हैं। तो इसी तरह आप भी नए नए प्लांट्स लगाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर दूसरे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।